रॉड घुस गई थी मेरे लव हैंडल में, पत्थर वगैरह से मेरा शोल्डर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, मेरा लव ये जो फोर आर्म है ये फ्रैक्चर हो गया था, फिंगर्स फ्रैक्चर हो गई थी। आई वोक अप द फोर्थ डे, मैं कोमा में चली गई थी। मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट डाला था, जैसे मेरा चेहरा खराब हो गया था, मेंटल स्ट्रेस से सिर्फ मैं नहीं मेरी फैमिली भी गुजरी। मैंने अपनी फोटोज खींचनी बंद कर दी थी, मैंने हंसना छोड़ दिया था। तो थाईलैंड तो विद ऑल परमिशन पेपर्स और वो सब चीजें लगी थी, तो नेपाल का मुझे पता नहीं था कि नेपाल इज जस्ट 500 किलोमीटर्स। सियाचिन एक सबसे डिफिकल्ट राउट है, अकेले गई थी, बिल्कुल अकेले। दिस हैपेंड इन 2009। मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन इस दुनिया से निराला है। जिन हादसों से मर जाते हैं लोग, मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो एक इंस्पिरेशन की कहानी है, वो एक जज्बे की कहानी है, और वो एक ऐसे इंसान की कहानी है। मैं अभी बताऊंगा नहीं, खुद पता चलेगा, लेकिन जब आप कहानी सुनेंगे आप वाकई कहेंगे कि जिद, जज्बा, हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ, जिस बाइक पे मैं आप बैठ के आया हूं, वो कोई लड़का नहीं चला रहा था, वो चला रही थी दिव्या संधु। दिव्या संधु बाइक राइडर हैं और अपनी इस बाइक पे 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा भारत का हर कोना नाप चुके हैं। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस एक्सीलेंट इवेंट। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता था, जब अब मैं बैठा बाइक पे, मुझे लग रहा है कि लड़का ही बोलेंगे, लड़का चला रहा है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि इस बाइक पे 8 लाख किलोमीटर और कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदला भी, बट फिर भी आपका ये बाइकिंग का शौक खत्म नहीं हुआ। तो दर्शकों को आज हम बताएंगे कि ऐसी लड़की की कहानी दिव्या संधु की, जो पिछले 15-20 साल से या ज्यादा से बाइकिंग कर रही है, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सीडेंट भी हुए जिन्होंने लाइफ को बदला जरूर, लेकिन शौक खत्म नहीं हुआ। तो दिव्या, मैं जानना चाहूंगा आपका ये बाइकिंग का शौक कब से शुरू हुआ? ये 2003 की बात है, जब मैंने पहली बार मोटरसाइकिल चलानी शुरू करी थी। पर उससे पहले काफी लोगों की सिमिलर स्टोरीज हैं, बहुत लोग जब मैं बताऊंगी तो रिलेट कर पाएंगे कि 2003 तक और उससे पहले लोग चेतक स्कूटर चलाते थे, जो पापा के, दादा के, नाना जी के और चाचा के, ताया के। हमारे घर में वैसे भी ये स्कूटर्स रहते थे, तो लोगों को आदत थी चलाने की, क्योंकि स्कूटी से पहले यही चलते थे। उसके बाद स्कूटी आनी शुरू हो गई, फिर स्कूटी के बाद मोटरसाइकिल्स का चलन शुरू हो गया। तो जब मैं 2003 में यहाँ पे हैंडबॉल के लिए आई थी, स्पोर्ट्स के लिए, आई एम अ नेशनल प्लेयर फॉर हैंडबॉल, तो हमारे कुछ दिन बचे थे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, तब मैंने पहली बार जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है वो चलाई थी। यस, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़। यस, तो दिव्या, वैसे तो गुड़गांव की रहने वाली हैं आप? वैसे मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न मेरा दिल्ली का है, पर ब्रॉटअप मेरा अलग अलग जगहों पे हुआ है। तो 2003 से आपने जब पहली बार बाइक वो चलानी शुरू की, तो होता है ना कि आपको लगा कि हम ये क्या चीज है, नई चीज है बाइकिंग है, तो मैं शुरू करती हूँ, देखती हूँ, और वो शौक कितना बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा? ये मैंने पहले नहीं सोचा था, मतलब ये जो ड्यूरिंग लॉकडाउन से पहले 2018 की बात है, ये जब मुझे किसी ने देखा था बाइक चलाते हुए और उन्होंने मुझे बोला था कि यू शुड विजिट गोवा राइडर मेनिया करके एक इवेंट होता है जहां पे रेसेस वगैरह भी होती हैं, और उस तरफ ना मोटरसाइकिलिंग का चलन बहुत ही ज्यादा है। आप 2003 से बाद की मैं बात करूं तो आप बाइक का आप चलाती रही, शुरू कर दिया था? हाँ, उसके बाद 2003 के बाद तो मैं चलाती रही मोटरसाइकिल, लेकिन घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। जब मैंने घर में बताया था तो उनके लिए तो ये था कि ये क्या क्या चीज, नई चीज तूने, मतलब हड्डी टूट जाएगी, चेहरे पे कुछ हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो हुई थी, मना कर दिया था घर वालों ने साफ। पर उस टाइम पे मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कल्पना चावला का, लेट कल्पना चावला,
जहाँ पे एक लाइन मुझे हिट कर गई थी कि लड़की ने वो कर दिखाया है जो लड़के भी नहीं कर पाए हिंदुस्तान के। तो जब मुझे ये लाइन हिट कर गई थी तो समझ आ गया था कि लड़कियों को सिर्फ रोका जाता है क्योंकि पेरेंट्स ना काफी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो मैंने चलाना शुरू कर दिया, मैंने झूठ बोले बाइक को लेकर के जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए, और मेरी एडवाइस है मत बोलो, सच सच ही बोलो। बाइक घर पे थी आपके अवेलेबल? बाइक अवेलेबल नहीं थी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी। मेरी पहली मोटरसाइकिल पल्सर थी 120। अच्छा, तो उसके बाद पैसे जोड़े थे मैंने 2005 की। तो मैंने पैसे जोड़े, उसके बाद वहां से मैंने दोबारा लद्दाख किया। मैंने 2003 में लद्दाख किया था, चंडीगढ़ से गई थी पल्सर पे। नहीं, उस टाइम पे मैं एवेंजर से गई थी। तो 2005 में मैं दोबारा मैं गई थी, वो मैं पल्सर से गई थी। फिर 2011 में गई थी मैं दोबारा से मोटरसाइकिल से ही गई थी मैं लद्दाख। और उस टाइम पे एक दुर्घटना हुई थी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत जिक्र किया है मैंने इस बारे में कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि गलती किसकी है। उस हादसे में मैंने अपनी एक दोस्त खो दी, एक एक्सीडेंट हुआ लद्दाख में जहाँ पे एक हिडन कट आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हॉर्न बजाओ पहाड़ों के ऊपर क्योंकि उस तरफ से कौन आ रहा है, क्योंकि सिंगल रोड होता है और ब्लाइंड कट होते हैं, पता नहीं चलता कि वहां से कौन आ रहा है, हॉर्न बजाओ। तो मैंने बस, मेरे साथ दो बाइकर्स थे, मैं थी एक और दीदी थी रितु शर्मा, तो वो केटीएम पे थी और मैं उस पे थी एवेंजर पे। तो जैसे ही मैंने उनको हल्का सा आगे से क्रॉस किया तो सामने से ना एक टेम्पू हाथी, छोटे टेम्पूज होते हैं उनको हाथी बोलते हैं, छोटे हाथी की वो एकदम स्पीड में आ रहा था और उसने हिट किया मुझे पीछे से। जब उसने मुझे पीछे से हिट किया तो मैं राइट साइड गिरी, पर दीदी ना लेफ्ट साइड गिरी जिस तरफ खाई थी, तो वो तो बाइक के साथ ही नीचे चली गई खाई में बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, और वो देखते ही मैं फेंट हो गई। ये 2011 में हुआ था में। और जब मेरी आंख खुली तो इट वाज द नेक्स्ट डे ओनली, ये मई की बात है, नेक्स्ट डे, एंड आई वोक अप इन द मनाली हॉस्पिटल। तो मेरे हाथ में कड़ा होता था उस टाइम पे, कड़ा गायब, मेरी अंगूठियां गायब, मेरी चेन गायब। उस टाइम पे मेरे पास बोल्ट थी, बर्बरी का फोन था, बोल्ट चलता था उस टाइम पे, वो गायब, पेन ड्राइव गायब, सब कुछ गायब। पहला हादसा आपको ये लगा? पहला हादसा था मेरा जो बहुत बड़ा हादसा था, बाकी तो छोटे मोटे जो साइकिल जैसे इंसिडेंट्स नहीं होते, गिर गए, चोट लग गई। तो आप इस राइड पे गए थे, घर वालों को पता था? नहीं, उनको नहीं पता था, घर वालों को नहीं पता, नहीं पता था। उनके हिसाब से मैं स्ट्रेट खेलने गई हुई हूँ वापस, और आप राइड करने, और मैं राइड करने चली गई थी। तो और उसके बाद आपने ये भी बताया था कि एक ऐसा हादसा हुआ 2015 में जब आपको कोमा में भी जाना पड़ा, आपका फेस खाना तो नहीं पड़ा था, मतलब वो किसी के भी बस में नहीं था। वो तो मैं जॉब करती थी रितु कुमार के लिए, बहुत बड़ा नाम है रितु कुमार, फैशन डिजाइनर, एंड शी इज एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीलेंट लेडी। तो उनके साथ मैं काम कर रही थी, मेरी शिफ्ट ओवर हुई 8 बजे, और गुड़गांव की बात है उस टाइम पे, वहां पे 2015, तो वहां पे उन लोगों ने टोल तोड़ा हुआ था। तो अब पता नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन जो साफ है कि सरकार ने अगर टोल तोड़ा है तो वहां पे अगर वेस्ट पड़ा है तो आप उसी टाइम हटाइए ना उसको, या तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए कि किसी और को नुकसान ना हो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं थी, बाइक पर थी, और उस टाइम पे मेरे पास पल्सर ही थी, पीछे मेरे साथ मेरी कलीग बैठी हुई थी, और उसका हैंडबैग लड़कों ने खींचा, ट्रिपलिंग करते हुए बिना हेलमेट के बाइक पर लड़के आए, जिन्होंने मेरी पीछे वाली कलीग का हैंडबैग खींचा। जब उन्होंने खींचा तो मैंने भी वापस खींचा। अब मैं आपको जो बता रही हूँ स्टोरी, मुझे आज तक इंसिडेंट याद नहीं है, मैं वो बता रही हूँ आपको जो मेरी कलीग ने मुझे बताया, जो उस दिन मेरे साथ थी। उसने बोला कि तुमने दिव्या मैम वापस खींचा और आप छोड़ ही नहीं रहे थे, वो तो बकल टूट गया, तो वो ग्रेविटी फोर्स था, वो टूट गया, बाइक बैलेंस बिगड़ गया उसका, और मैं गिर गई। जब मैं गिरी तो जहां मैं गिरी वहां पे काफी वेस्ट टोल का पड़ा हुआ था, रॉड होती है जो लगती है मकान बनने में भी, टोल बनने में भी, तो रॉड घुस गई थी मेरे लव हैंडल में, यहाँ रॉड घुसी हुई थी, पत्थर वगैरह से मेरा शोल्डर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, मेरा लव ये जो फोर आर्म है ये फ्रैक्चर हो गया था, फिंगर्स फ्रैक्चर हो गई थी, और मैंने जो हेलमेट पहना हुआ था उसकी वजह से अंदर मुझे 2 इंचेस का होल हो गया था, यहाँ पे सर के पास ऐसे ऐसे होल हो गए थे जहाँ पे स्टिचेस करने पड़े थे, अपर लिप्स के, क्योंकि मैंने हाफ फेस का हेलमेट पहना हुआ था
तो जो वाइजर है वो यहाँ तक आता है, तो वाइजर दब गया, दबने की वजह से वो वाइजर का जो नीचे शार्प हिस्सा होता है, जो ऐसे होता है इस तरह का हिस्सा जो होता है, वो आके यहाँ फंस गया, उसने यहाँ पे कट मार दिया मेरे। जो मेरी स्माइली चीक होती है, इसकी जो स्किन है वो इस हड्डी के साथ चिपक गई, तो मेरी आंख आप ये समझ लो बच गई, लेकिन उसकी वजह से मुझे आगे बहुत नुकसान हुआ। तो आई वोक अप द फोर्थ डे, मैं कोमा में चली गई थी, एंड डॉक्टर सेड के आप 72 आवर्स का टाइम लो, इफ शी वेक्स अप तो इसकी लाइफ अच्छी जाएगी, मतलब 99% शी विल हैव अ गुड लाइफ, एंड इफ शी डजंट देन उसके बाद वी विल टेल यू कि क्या करना है। तो वो कितने दिन, जब आप कोमा से बाहर आई 4 दिन बाद, कितना टाइम लगा आपको वापस नॉर्मल लाइफ माने? इट टुक मी 1.5 आवर लगा मुझे, क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद मैंने टोटल महीने 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 नहीं लगे मुझे साल लग गए, क्योंकि जो इंजरीज थी, मैं सच्ची बताऊं तो परमात्मा का शुक्र है कि मुझे दर्द कभी महसूस ही नहीं हुआ उस एक्सीडेंट का, वाहेगुरु जी, कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मेंटली जो उसने मुझे खराब, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट डाला था, जैसे मेरा चेहरा खराब हो गया था, और उस टाइम पे मैं स्टेट नेशनल्स के लिए अप्लाई भी करने वाली थी स्विमिंग के लिए, वो भी नहीं हो पाया। जो मेंटल स्ट्रेस सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी गुजरी, मैंने अपनी फोटोज खींचनी बंद कर दी थी, मैंने हंसना छोड़ दिया था, उस टाइम पे मेरे ब्रेसेस लगे थे। तो एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ था, जैसे मेरा मुंह यूं बजा नीचे, तो हेलमेट जो मेरा मुंह है जो ये पीछे के पीछे चला गया पूरा, तो अभी भी ये मैं अभी भी इसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ, ठीक कराने का, ये अभी भी ठीक से ठीक नहीं हुआ है। मेरा चेहरा पूरी तरीके से 2015 की बात है ये खराब हो गया। टाइम के साथ जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, और अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो आगे जाके 60 के बाद मुझे प्रॉब्लम आएगी। जैसे तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि 2015 में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपकी लाइफ जो चेंजेस हुए, प्रॉब्लम्स हुए, है ना, मेंटली आपको, फिजिकली, है ना, इमोशनली, बट 2 साल 2.5 साल 3 साल कितने टाइम आप बाइकिंग से दूर रही, और फिर आपने फिर दुनिया नापनी शुरू की? अच्छा, तो मैं ज्यादातर यही बोला जाता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, मी बीइंग अ फीमेल, मैं कभी भी अपने डैड के इतने क्लोज नहीं रही हूँ, मैं अपने मॉम के ज्यादा क्लोज रही हूँ, वो भी कम। तो मैंने पहली बार अपने डैड को इस एक्सीडेंट की वजह से रोते हुए देखा मेरे लिए, क्योंकि मेरी हालत सच में बहुत खराब थी। तो उन्हें लगा था कि अब मैं बाइक का नाम भी नहीं लूंगी। तो पहले मैं नेकेड स्पोर्ट्स चलाती थी, तो जिनको बाइक्स के बारे में नॉलेज है उनको पता है कि हर देर आर वेरिएंट ऑफ मोटरसाइकिल्स, जैसे जो अब मेरे पास है वो ADV मोटरसाइकिल है, और जो मैं पहले चलाती थी वो नेकेड स्पोर्ट्स चलाती थी, जो आमतौर पर आपको रोड पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे था, और मेरी ड्रीम बाइक थी बुलेट, तो मुझे था कि इससे कुछ नहीं हुआ तो बुलेट से क्या हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मुझे पैसे बचाने हैं और मुझे 350 बुलेट खरीदनी है। ये एक्सीडेंट के बाद की बात है, पर कभी बाइक चलाऊंगी नहीं, ये थॉट दिमाग में आया ही नहीं। 2015 के बाद आप पहली राइड आपने कब की ठीक होने के बाद? उसी साल करी थी मैंने, नवंबर में ही करी थी मैंने, 15 में ही। कहाँ गए थे? नवंबर में गई थी, पहाड़ों पे जाने की कोशिश करी थी, मैं चैल के पास आने की कोशिश करी थी, लेकिन नाहान तक आते आते आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए, और मुझसे बाइक ही ना संभले। मेरे को वो चीजें याद आ रही थी कि क्या हुआ था, तो मैंने बस वहां से वापस यू टर्न लिया। फिर मैंने सोचा कि कुछ टाइम आई विल ट्रेन माई सेल्फ, मैं हाईवे पे ही चलाऊंगी। वहां पे चलाते चलाते कुछ बाइकर्स लोगों से मैं मिली, कुछ लोगों से दोस्ती हुई, फिर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया 2015 से लेकर के 2017 तक। आप ये समझ लो मैंने साउथ वगैरह चलाना शुरू कर दिया था, जहां पे पहाड़ नहीं है। अच्छा। जहां पे भी मुझे हिडन कट्स नहीं मिलेंगे, नहीं उन्होंने एक्चुअली गिव अप कर दिया था तब तक, ये लड़की मानने वाली नहीं, कि उन्होंने बोल दिया था तू शादी करा, तेरे लिए हम लड़का देखेंगे। लेकिन होता ये था कि जिनको भी बताते थे ना हम लोग कि मैं मतलब बाइक वगैरह चलाती हूँ और मेरे को घूमने फिरने का शौक है, तो उनके दिमाग में बस यही बात आती थी, और बोला भी गया था कि ये लड़की हाथ से निकल गई है, देख लो ये घर पे टिकने वाली लड़कियां नहीं है। तो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि घर पे टिकने वाली लड़की क्या होता है,
लड़की मार्केट भी तो जाती ही है ना, तो उसको मार्केट भी क्यों ही निकालते हो? मतलब ये आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें वो घर लड़कियां चाहिए जो घर में टिके। बाइकिंग से इतना प्यार है, पैशनेट आप इतने हो कि आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए। हाँ मतलब वो मोटरसाइकिलिंग के लिए था, मुझे पहले मोटरसाइकिलिंग के लिए था कि आई वॉन्टेड टू राइड मोटरसाइकिल बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर। जब मैंने पहली बार 2003 में लद्दाख किया था, देन आई केम टू नो कि दुनिया ना मेरे घर के बाहर भी कुछ है। वो जो गलियां सिंगल रोड और गलियों में स्कूटर बाइसिकल्स और कार पार्क होती हैं, उसके अलावा भी ऐसी जन्नत है जिसको हम पहाड़ कहते हैं, वैली कहते हैं। आप उरी चले जाओ, आप बारामूला चले जाओ, वो अनटच्ड ब्यूटी है वहाँ पे। चलो जो भी वहाँ पे गए है, और मैं वहाँ तक गई हूँ। तो मैं आपको एक बता दूँ कि अब बात करते हैं कि दिव्या ने बाइकिंग कहाँ कहाँ पे की है। ये बाइक पे थाईलैंड गई हैं, बांग्लादेश गई हैं विद परमिशन, गई हैं कश्मीर के कुछ हिस्सों तक गई हैं, और आपने शक्तिपीठ कवर किए, गुरुद्वारे कवर किए। शक्तिपीठ करे, कहाँ कहाँ पे? 51 शक्तिपीठ सारे करे हैं, 51। बद्रीनाथ भी गई हूँ मैं, और केदारनाथ गई हूँ मैं, बस सारी गए हैं। मैं राजस्थान भी गई हूँ उसको लेके, ज्वाला देवी भी गई हूँ, नैना देवी भी गई हूँ, सब बाइक पर। एक है जो कि पाकिस्तान में है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और इंडियन पासपोर्ट पर परमिशन मिलती नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं, पर इच्छा तो मेरी बहुत है वहाँ जाने की। जब माता बुलाएंगी तब लग ही जाएगा कोई ना। नेपाल आप गई हैं? नेपाल गई हूँ। थाईलैंड? नेपाल बॉर्डर जब गई थी तो बड़ा ही, थाईलैंड भी गई हूँ पर नेपाल जब गई थी तो थाईलैंड तो विद ऑल परमिशन पेपर्स और वो सब चीजें लगी थी, लेकिन जब मैं नेपाल गई थी तो नेपाल का मुझे पता नहीं था कि नेपाल इज जस्ट 500 किलोमीटर्स फ्रॉम माय हाउस, कि आप बस 8 घंटे में नेपाल पहुंच जाते हो बाइक से अगर आप जाते हो तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप वो 8 घंटे भी कम कर सकते हो, आप सिर्फ 5 घंटे में नेपाल पहुंच सकते हो अगर आप यूपी वाले रास्ते से जाते हो तो, सीधे सीधे हाईवे बने हुए हैं। तो जब मैं बाइक लेकर गई तो वहां जाके मुझे पता चला कि यू कैन टेक योर मोटरसाइकिल ऑल्सो टू द बॉर्डर, वहां पे करेंसी भी आपको बॉर्डर पे ही मिल जाती है, फ्लैग है इतना बड़ा, और वहां पे 0 पॉइंट है जहां पे उन्होंने लिखा हुआ ये हिस्सा इंडिया का है, ये हिस्सा नेपाल का है। और मतलब मुझे मजा आ गया क्योंकि वहां पे मैंने लड़कियों को देखा बॉर्डर पे पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर, और इट वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दिव्या एक चीज ये पूछना चाहेंगे अब कि जो बाइक है, इस बाइक की कॉस्ट कितनी है? ये वाली बाइक मुझे लेने से पहले अपनी 3 बाइक्स बेचनी पड़ी, तो आइडली पहले मेरे पास 5 मोटरसाइकिल्स होती थी, जिसमें एक क्लासिक 350 है, KTM है, और अपाची है, 350 RR है, और एक 2 KTM है एक्चुअली। तो मैंने अपनी 3 मोटरसाइकिल यानी कि हिमालयन बेच दी, मैंने KTM बेच दी, और मैंने 310 भी बेच दी इस बाइक के लिए। सो दिस मोटरसाइकिल इज फॉर 11 लाख ऑन रोड। यस, 11 लाख। 11 लाख की ऑन रोड ये बाइक है। इसका नाम बता दीजिए, स्पेसिफिकेशन क्या है, इंजन से भी आपसे पूछेंगे। ओके, तो दिस मोटरसाइकिल इज फ्रॉम ट्रायम्फ, और यस ट्रायम्फ की ये मोटरसाइकिल्स हैं, और ये दिस मोटरसाइकिल नेम इज टाइगर। ये टाइगर की तरह ही है, अभी आप बैठ चुके हो मेरे पीछे पिलियन, तो आपको पता ही है कि ये कैसी चलती है, कितनी स्मूथ टाइगर है। इसका BHP इज 80, बहुत ही स्मूथली चलती है ये मोटरसाइकिल। NCC 660, इसके ऊपर मेरी टॉप स्पीड 185 अभी, क्योंकि बिकॉज वेरी फ्रेश, वेरी न्यू मोटरसाइकिल, मैंने अपने बर्थडे पे ही लिया अभी दिसंबर में। तो अभी इसका इंजन खुलेगा तो आई एम श्योर कि इट विल गो टिल 210। आप कितने तक चलाते हैं ये वाली? अभी तक मैं वहां गई थी, जयपुर गई थी, जामनगर वाले हाईवे के ऊपर, तो ये गई थी 185। हाँ देखिए, स्पीड, थ्रिल, बाइकिंग, शौक, सब कुछ है, लेकिन लड़की है तो खाली ये नहीं कह सकते कि अब वुमन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। आपके हस्बैंड के पास भी एक और बाइक है आई थिंक, जो मुझे 25 लाख कॉस्ट है। हाँ, 24.5, अब 25 अप्रोक्स। कितने इंजन सकते हो? वो 2500 CC इंजन है। 2500, यस, रॉकेट थ्री। तो देखिए, अब बात करेंगे कि देखिए महंगा है कि जिनको पैसे हैं वही ले सकता है, ये तमाम चीजें, लेकिन आपने अपने शौक को जिंदा रखने के लिए अपनी बाइक्स बेची,
और कहते हैं अर्निंग के लिए अब करते क्या हो? आपने मैंने सुना कि आप वुमेन्स को आप ट्रेनिंग भी देते हो लड़कियों को, कि खाली सिर्फ लड़कों का नहीं मर्द का नहीं है, लड़कियां भी चलाती हैं। और कभी जब आप बाइक चला रही होती हैं कुछ ऐसा फेस करने को मिला कि लड़के आए, ग्रुप्स आए, आपको प्रोवोक किया, रेस लगा लो या आपको लड़की कैसे? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट अगर ट्रेनिंग का स्पेसिफिक बताऊं, मैं स्विमिंग कोच भी हूं, मैं स्विमिंग भी सिखाती हूं, पर ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरी वन ऑफ माय स्टूडेंट यहीं की बात है, यहीं पर चंडीगढ़ की बात है, शी वाज राइडिंग द मोटरसाइकिल और वो छोटी बाइक चला रही थी। तो अब क्या हुआ, रेड लाइट के ऊपर बाइक बंद पड़ गई, बंद हो गई। तो अब उसको आगे लेकर जानी थी बिकॉज हम लोगों को राइट टर्न लेना था। अब मुझे था कि मेरे दिमाग में ये था कि जो पीछे लड़के बैठे हैं, बिल्कुल पीछे ही ना बाइक पर दो लड़के बैठे थे और मुझे उसमें से एक उतरने ही लगा था, पर आई वॉज शॉक्ड। वट ही डिड वॉज वो गया, उसने बोला मैडम तुसी ना बाइक नू ना ओ किता है, एमरजेंसी स्विच दबाया हैगा, ओनू ऑन करो ते कोशिश करो, कोई गल नहीं। तो मेरी स्टूडेंट ने बाइक स्टार्ट करी एंड ही स्टार्टेड क्लैपिंग। तो दैट आई फेल्ट के ऐसे लोग भी हैं जो लड़कियों को देख के खुश हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि प्लीज बाइक चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम। उन्होंने बाइक चलाई और निकली। लेकिन दिस इज लाइक ओनली वन एक्सपीरियंस दैट आई एम टेलिंग यू। द रेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस आर फ्लाई बाय करके चले जाते हैं। फ्लाई बाय वो एकदम से आएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, आओ मेरे साथ रेस लगाओ, या जानबूझ के लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं तो इस तरह के, और अचानक से ब्रेक लगा देंगे आगे आके। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। फाइनली अब आप वुमेन्स को ट्रेन करती हैं बाइकिंग के लिए, कितनी आपसे ट्रेनिंग लेने वाली हैं लड़कियां, यंग हैं, वुमेन हैं? आप जब अपनी कहानी बताते हो थ्रू सोशल मीडिया या बात करते हो, अब आप उनको सिखा रहे हो, कितना क्रेज आपको लग रहा है? खासकर हम चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब की बात करें या अपने नॉर्थ रीजन की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि whenever I talk about myself, जब भी मैं अपने बारे गल कर दिया, मैनू लगता है कि मैं सारी कुड़ियां बारे गल कर रही हूं, क्योंकि मैं हूं तो लड़की ही ना। तो अगर आप कोई भी कुड़ी उठा लो दुनिया में कहीं भी, फीमेल इज सो टैलेंटेड कि उसको घर के कामों में ही लोगों ने ज्यादातर बिजी रखा हुआ है। बट इफ गिवन अ चांस शी विल बीट एनी मैन इन द वर्ल्ड। अगर आप फिजिक को छोड़ दो, टैलेंट पे, स्किल्स पे अगर आप कभी कॉम्पिटिशन करो तो शी विल बीट एनी मैन। बुरा मत मानना जो भी सुन रहे हैं ये, पर दिस इज ट्रू कि वुमेन्स को इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है। तो जब ट्रेनिंग दे रही है वुमेन्स, मेरी 2000 से ज्यादा मैं लड़कियों को सिखा चुकी हूँ, बिकॉज मैंने मोटरसाइकिलिंग चलाना सिखाना शुरू किया था 2017 में। तो इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। और मेरे स्कूल का नाम है दीवा, DIWA, और इंस्टाग्राम पे भी है, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जो पंजाब वगैरह मैंने देखा कि जाते हैं सिखाने। यस, यहाँ पे मैंने मिली हूँ हरदीप से, मिली हूँ, यू नो हरदीप, उनके ही इज डूइंग सच अ गुड वर्क और वो पूरे दिल से करते हैं। ही इज सच अ नाइस पर्सन, इतने हम्बल हैं। मुझे उनके ऊपर आंख बंद कर, मतलब पहली बार कोई बंदा ऐसा मिला है जिसके लिए मैं बोल सकती हूँ आंख बंद करके विश्वास है कि ये बंदा जेन्युइनली लड़कियों को सिखाने के मन से कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मोटिवेट। उसके घर में भी बेटी है। कहाँ कहाँ जाते हैं पंजाब में, अगर चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा? अभी वी आर गोइंग टू लुधियाना। हम लोग सैटरडे संडे को हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए लुधियाना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अमृतसर, सो वी विल गो टू जलंधर ऑल्सो, सो वी विल गो टू, हम लोग पटनी टॉप तक जाएंगे, हम वी विल गो टू एवरीवेयर। हम लोग जहाँ जहाँ जा सकते हैं वी विल ओपन द चैप्टर एंड लेट्स सी के कितनी लड़कियां आती हैं। बट या अच्छा, एक सवाल पर्सनल भी है लेकिन मोटिवेशन से भी जुड़ा है। आपकी शादी लेट हुई जी, और आपके हस्बैंड भी बाइक का शौक रखते हैं, तो शायद कहना कि वो दो, कहते हैं ना कि जब एक ही रास्ते के दो राही एक ही रास्ते पे हो, वो रीजन रहा आपकी शादी का? और आपने कहा कि राइड करते रहो, मैं रुकूंगा नहीं। देखो, ही इज थोड़ा सा मुझे लेके पोजेसिव है वो, और ही इज वेरी हैप्पी व्हेनेवर ही सीज मी राइडिंग अ मोटरसाइकिल। वन थिंग ही सेज ऑलवेज, यू लुक ब्यूटीफुल। मतलब मैं तेरे ते सोनी कुड़ी नहीं कोई और वेखी जदू तू मोटरसाइकिल चलांदी है। तो आई थिंक दिस इज द लाइन दैट आई गेट फ्रॉम माय हस्बैंड। और उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा था तो ही थॉट दैट आई एम आर्मी ब्रैट। तो आई एम एक्चुअली, मेरे नाना दादा जी आर फ्रॉम आर्मी ओनली, ही हिमसेल्फ इज आर्मी ब्रैट, ही इज फ्रॉम, उनके डैड जो है वो मेजर है आर्मी में। सो दिस इज समथिंग विच ही लाइक्स इट। उन्होंने देखते ही मुझे अगले दिन ही शादी के लिए बोल दिया था, मतलब
नो डेटिंग, नो फालतू का टाइम पास. अगले दिन ही उन्होंने बोला शादी करनी है. शादी लेट इसलिए क्योंकि आप, आपका पैशन लगा. इसीलिए लेट हुई क्योंकि काफी रिश्तेदारों ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी क्योंकि मैं घर पे नहीं टिकती थी और सिर्फ बाइक से प्यार, बाइक से ही चलाती थी. बाइक से प्यार, एक्चुअली आजादी से प्यार हो गया था. व्हेन यू राइड अ मोटरसाइकिल ना, यू फील फ्रीडम, यू फील फ्री, यू हैव दैट पावर ऑफ नॉलेज. एक एजुकेशन होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, एक एजुकेशन होती है जब आप अकेले मोटरसाइकिल पे चले जाते हो ना और गांव जाते हो. बिकॉज आई हैव कवर्ड, मैंने एक रिकॉर्ड किया था 25,000 किलोमीटर इन 45 डेज. आई हैव विजिटेड 172 स्लम्स एरिया. तो जब मैं वो रिकॉर्ड मैं करने के लिए गई थी और मैं लोगों से मिली, बच्चों से मिली, यंग जनरेशन से मिली, मैं उन्हें क्या यंग जनरेशन, वही रेड लाइट पे खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं वो लोग, मेरी सोच बदल गई, मेरा नजरिया बदल दिया. मैं शायद जहां आसमान में होती थी जो मेरा एटीट्यूड, क्योंकि मैं वहां गई हूं जहां आज तक कोई लड़का भी नहीं गया है, सब नीचे आ गया जमीन. अच्छा, पर चार में चीजें पूछूं जो आप सबसे लॉन्गेस्ट मोटरेबल रोड हो बाइक पे हो, जहां पे रिस्क हो, शॉर्ट में चार ऐसी जगह या आपके जहन में दो तीन ऐसी जगह हो कि जहां पे, बात लड़कों के नहीं, जहां पे लगता है कि लड़की का पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, अकेली आप गई हो. वन ऑफ द रूट इज टू सियाचिन. सियाचिन एक सबसे डिफिकल्ट राउट है. अकेले गई थी, बिल्कुल अकेले. दिस हैपेंड इन 2009. अच्छा, सियाचिन. वालों को पता था? घर वालों को तो खैर पता चल ही जाता था, मम्मी को तो पता चल ही जाता था ना, कहीं दो दिन तीन दिन मोबाइल ही ना मिले, नंबर ही ना मिले तो. सियाचिन के अलावा और कौन सी जगह थी? एक सियाचिन हो गया, वन इज रन ऑफ कच्छ. आप गुजरात जो कोस्टल एरिया पे, एक तो वहां पे जाना मुश्किल है क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है. दिस इज लाइक द गुड वेदर. अभी फरवरी आप फेब में जाओगे ना तो भी आप ह्यूमिड से ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है वहां पर. और उसके अलावा तीसरी जगह ले लद्दाख तो एवरीबडी नोज, बट आई विल सजेस्ट गो टू स्पीति. स्पीति रिवर जो डिस्टेंस 60 किलोमीटर का वो है, बिकॉज एक उन्होंने रिवर बंद कर दिए है एंड वो छोटे छोटे पत्थर हैं जिसके ऊपर आपको बाइक चलानी, जिसकी वजह से मेरी क्लासिक का इंजन भी बैठ गया था. वो बहुत मुश्किल है रास्ता. देन यू कैन गो टू मस्तैंग जो नेपाल में है, ऊपर बिल्कुल टॉप पर है अपर मस्तैंग. मोस्ट वहाँ पे आई हैव बाइक पर गई हूँ, अकेले गई हूँ. यू नीड पासेस होते हैं, एंट्री करानी पड़ती है, आपको नाम लिखवाना पड़ता है. एंड देन टू बद्रीनाथ, माना द लास्ट विलेज. गो टू माना, इट्स ब्यूटिफुल प्लेस, विलेज है वहाँ पे. वो लोग हैंडक्राफ्टेड जो है वो कारपेट बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और बहुत खूबसूरत चीज. और दिव्या, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, बाइक की हमने देखी, आपने बाइक देखी, इसका वजन कितना है? दिस इज 299, मतलब 300 के आसपास. और आपका कितना? मेरा तो है आई थिंक 55 किलो इनका वजन है. लेकिन देखिए, बाइक आप संभालना तो छोड़ो, आप लड़की सियाचिन चली गई, लड़की कच्छ चली जाती है अकेली, मतलब सुन के मुझे लग रहा है कि आपने क्या क्या, मतलब अकेले जो रास्ता नाप दिया, 51 शक्तिपीठ या वो. और मैं गियर की बात करूंगा क्योंकि बहुत कम नॉलेज होती है. अगर मैं इस हेलमेट की बात करूं, देखिए ये आम हेलमेट नहीं, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गियर की, क्योंकि हम बाइकर्स के लिए तो एक डिफरेंट अलग चीज है, सब कुछ अलग है. थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर बताइएगा हेलमेट क्या खास है, किस तरह से लगा है, और सेफ्टी गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जी, जो हेलमेट मैं आज लेकर आई हूँ, अगर मतलब मुझे और टाइम मिलता तो जगह होती तो मैं एक और हेलमेट लेके आती, वो फुल फेस हेलमेट है. दिस इज माई टूर एंड ट्रैवल वाला हेलमेट, मतलब क्योंकि ये ना हाइब्रिड हेलमेट है, ये 2-in-1 है. okay. आप ये देखो. जी, ये 2-in-1 हेलमेट है कि आप ट्रैवल के टाइम पे वो हेलमेट नहीं उतारना चाहते हो तो बस आप आगे से इसको ओपन करो एंड यू कैन ईट एंड यू कैन ड्रिंक, और आपका इजिली हो गया फॉर अ ब्रीथर. हाइब्रिड हेलमेट है ये. और इसमें आपको मिलता है शीशा, जो कि आपको सनग्लासेस कैरी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये और ऊपर से आपको ये फुल फेस का शीशा. ठीक है, तो उसके साथ है ब्लूटूथ सेना का. सो इसपे मैं गाने सुनती हूँ पर बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर, जो है वो इट्स अ गुड रेमेडी और एक अच्छा योगा ट्रीटमेंट आप कह सकते हो कि मुझे मिलता है थोड़े से गाने सुन के. और स्पेशली रात को अगर कभी जाते हुए, क्योंकि मैं अभी भी कई बार सोलो ट्रैवल करती हूँ. कैमरे का ऑप्शन होता है ऑलरेडी या जैसे आगे लाइट के लिए? कैमरा के लिए वी हैव दिस फॉर गोप्रो, मैंने यहाँ लगाया हुआ है पर यूज नहीं करती. उसके लिए मैंने बाइक के ऊपर इक्विपमेंट लगाया हुआ है कि आई कैन यूज माई, बिल्कुल ये लगाया हुआ है, माउंट किया हुआ है यहाँ पर,
चलता फिरता एक सिस्टम है पूरा यहाँ पे, अगर बाइक है हेलमेट आप देखे पूरा, क्योंकि जो बाइकर्स होते हैं उनको काफी कुछ कैरी करना पड़ता है। तो ये घर ही समझ लो आपके घर ही है हमारा। कि ये बताइए आपने क्या क्या यहाँ पे लगाए हुए? तो दिस इज अ मीटर टू चेक माई टायर्स, ये अलग से खरीदे मैंने। तो फ्रंट टायर में अभी हवा 34 है और पीछे के टायर में हवा अभी 44 है। तो टायर के अंदर का जो टेम्परेचर है जैसे 23, यहाँ पे भी 23। तो FW यानी कि फ्रंट टायर, फ्रंट व्हील FW, एंड RW यानी कि रेयर जो पीछे का टायर है रेयर व्हील, उसका टेम्परेचर इज 23 और उसमें हवा है ये और अभी टाइम ये हो रहा है। तो दिस इज मैंने एडिशनल लगवाया है अंदर से बैटरी। फोन के लिए आपने? ये मैंने GPS के लिए जो फोन लिया हुआ है, दो फोन है मेरे पास GPS के लिए, जहाँ पे इस पे माउंट करके मैं अपना मैप यूज करती हूँ, यहाँ पे मैं अपना आईफोन लगाती हूँ सो दैट आई कैन लिसन टू सॉन्ग और आई कैन टॉक टू पीपल इफ पॉसिबल। GPS वाले फोन को मैं बिल्कुल यूज छेड़ती नहीं हूँ, उस पे सिर्फ मैप और नेविगेशन रहता है। ड्रेस की बात करें क्योंकि बाइकर्स के लिए हम देखते हैं तो अलग से एक होता है ड्रेस, ये प्रॉपर ड्रेस होती है? क्या क्या उसमें सेफ्टी गार्ड होते हैं? एक जैकेट है, तो जो मैं वहां से शुरू करूंगी जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको। एक तो हेलमेट है तो मिनिमम टू मिनिमम इज हेलमेट, हेलमेट चाहिए। हेलमेट का इसका कॉस्ट कितना होता? ये वाला मैंने बाहर से मंगवाया था तो ये मुझे 23,000 का पड़ा ये वाला हेलमेट, लेकिन बट यू कैन गेट फ्रॉम यहाँ पर अच्छी मार्केट है, राइडर्स प्लैनेट आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे जैकेट और ये मिलेंगे। ये सारे शूज भी, जैसे ये तो मैंने ट्रायम्फ से ही लिया, दिस कॉस्टेड मी फॉर 21,000। मतलब अभी आप ये देख लो मैंने अभी जो पहना है विद हेलमेट, तो ये 60,000 का सामान मैंने अभी पहन रखा है। और ये ग्लव्स दिस इज फॉर 5,000, ये मैश के ग्लव्स हैं पर काफी अच्छे हैं, इसमें हल्का फुल्का जो है स्वेट लेदर भी लगा हुआ है। टोटल जो आप विद हेलमेट आपका जो पूरा ये सेटअप है, डेनिम है, इवन ये डेनिम स्पेशल है, दिस इज फ्रॉम बाइकर आती जो डेनिम है, यू कैन सी इसमें थोड़ा सा इन्होंने जो यहाँ पे टेपिंग यूज की हुई है वो हाईलाइट है कि मतलब अंधेरे में भी ये चमकेगी डेनिम। इसके अंदर गार्ड है, ये पॉकेट नहीं है, दिस इज अ गार्ड। अच्छा, सेफ्टी गार्ड आपके नीज, हाँ नीज के लिए, नीज प्रोटेक्शन। देन वी हैव अ हिप प्रोटेक्शन ऑल्सो जो मैंने अभी यहाँ से निकाला हुआ है, तो वो यहाँ पे डलता है कि अगर आप गिरे हुए भी, और ये आप टच करके देखो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डेनिम, कितनी मोटी है ये, कि अगर सिर्फ ये भी पहन के अगर मैं चलाऊंगी और गिरूंगी तो ये शायद हल्की फुल्की इसके अंदर निशान वगैरह फटेगी नहीं, करेक्ट। तो उसके बाद ये जैकेट है, इस जैकेट के अंदर मैंने लाइनर पहना हुआ है जो विंटर ऐसा जो आपने जैकेट पहनी हुई है इसी का और कंप्रेस्ड, मतलब पतला करके एक जैकेट है इसके अंदर जो मैंने पहनी हुई है, और उसके नीचे भी मैं पहनती हूँ कंप्रेशन टी शर्ट अगर मुझे लंबे ट्रैवल के लिए जाना होता है। अगर मैं जैसे अभी मैं जा रही हूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटर की एक राइड कर रही हूँ GQ विमेन के लिए, तो उसमें वी आर प्लानिंग द इंटायर राइड। तो अब ये देखो दिस इज व्हाट वी हैव, सेम एग्जैक्ट सेम है, लेयर्स इसकी जो आपको पता लगती है, सिंगल लेयर ये है, ये मैश है और उसके नीचे ये स्वेटर है और स्वेटर के नीचे बस ये की है। तो मुझे अंदर अब हवा लग रही है मुझे, वरना मुझे हवा अंदर आ भी नहीं रही थी। तो बिल्कुल लास्ट मैं सवाल पूछूंगा दिव्या से, हालांकि देखिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं दिव्या जिससे हम लोग काफी बात कर सकते हैं, लेकिन एक मैं चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप इधर आ जाइए। बाइकिंग एक महंगा शौक जरूर है लेकिन शौक है। आपने कहा कि हम 2000 से ज्यादा आप वुमेन्स को ट्रेनिंग दे रही हैं और कंटिन्यू कर भी रही हैं, लड़कियां हैं सीख रही हैं आपको देख के आती हैं ना। जाते जाते मैं एक मैसेज क्या देना चाहेंगे खासकर लड़कियों के लिए कि शौक के लिए अपना शौक जिंदा रखें, लेकिन बचाव के तरीके प्लस किस तरह से आप सोसाइटी में एक एज ए इंस्पिरेशन बन के रहें? मुझे मैसेज एक्चुअली ये सब ही को देना है, विमेन को तो है ही स्पेशली, बट फॉर एवरीवन दैट डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को रोको नहीं वो करने के लिए जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा, चाहे वो औरतों में हो चाहे वो बच्चों में हो, लेकिन अगर औरतों में होता है तो उसका असर बच्चों पर होता है, तो उससे आने वाली जनरेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अपने आप को रोको मत वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, और सही तरीके से मेहनत करो, और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको वो जरूर मिलेगा जो आप चाहते हो।
और आप रास्ते नापते रहिए, नाश्ते नापते रहिए, किलोमीटर नापते रहिए, ईयर्स नापते रहिए। 8 लाख किलोमीटर आप चला चुके हैं शायद? 8 लाख ज्यादा ही, पिछले 15-20 साल में। हाँ, 20 सालों में 8 लाख किलोमीटर। अभी हम लोग एक और राइड कर रहे हैं 6,000 किलोमीटर की, ऑल वेमेन राइड है, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं यस टू एजुकेशन एंड नो टू ड्रग्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लूप होल इज द एजुकेशन ओनली। जब एजुकेशन हर जगह पहुंचेगा तो वी विल हैव द राइड, मतलब सेफ्टी टिप्स मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। सो वी आर स्टार्टिंग अर राइड ऑन 24th of February। तो फ्रॉम दिल्ली टू वी आर गोइंग टू, यहाँ से मैं दिल्ली जाऊंगी, फ्रॉम दिल्ली टू वी गोइंग टू कैलकटा, कैलकटा से वी आर गोइंग टू चेन्नई, पूरा कोस्टल एरिया है वो। फ्रॉम चेन्नई टू महाराष्ट्र वी विल गो टू हुबली ऑल्सो, यूनेस्को की साइट है वो। फ्रॉम महाराष्ट्र वी विल गो टू उदयपुर, देन टू दिल्ली, टू बैक टू चंडीगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, और आपका अच्छा लगा, इंस्पिरेशन आपसे लें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हैं दिव्या संधू, बाइक पर इन्होंने दुनिया नाप दी, हौसले नहीं छोड़े, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनी, और देखिए जज्बा देखिए, एक्सीडेंट्स हुए, कहां कहां गई, इस बाइक पे दुनिया नापने का शौक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 से ज्यादा वुमेन्स लड़कियों को ट्रेनिंग ये दे रही हैं, यंग जो गर्ल्स हैं वो इनसे ट्रेनिंग लेती हैं, जो महिलाएं हैं कामकाजी वो ट्रेनिंग ले रही हैं। दूसरे पार्ट में हम आपको उन महिलाओं से भी मिलाएंगे जो घर पे खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, लेकिन बाइक पर अपना राइड का शौक भी पूरा करती हैं। आपको सेकेंड पार्ट में मैं जरूर मिलाऊंगा, फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर सिंह को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।